टू केदारनाथ ट्रैक का, तो फक्ड अप हो गया, कोई बात नहीं सुबह के देख लेंगे। बाकी तो दोस्तों जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा, हम देहरादून से देवप्रयाग के लिए निकल गए थे और हम देवप्रयाग पहुंचकर हमने जल भरा और फिर हम देवप्रयाग से निकलकर सीधा गौरीकुंड के लिए निकले, जहां पर हमने रात को स्टे किया और केदारनाथ के लिए अगली सुबह हमने ट्रैक शुरू कर दिया था। सो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो सारे, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज है डे टू केदारनाथ ट्रैक का, अब हमने एक ट्रैकिंग शुरू कर दी है। बाकी हम गौरीकुंड में रुके थे जैसे कि आपने पिछले व्लॉग में देख ही लिया होगा, और अभी हम सुबह निकले हैं, 7 बज रहे हैं, अब 7 बजे हम ट्रैक के लिए निकले हैं, अभी शुरुआत ही है भाई, और अभी हम आगे चलते हैं। ठीक है, सुबह उठ गए हम 3:30 बजे, नहाए धोए सीधा चेंज किया और हम निकल चुके हैं ट्रैक के लिए। हमने कोशिश करते हैं, देखते हैं कितने बजे तक ट्रैक पूरा होगा, बाकी आगे देखते हैं आगे क्या होता है। मैं आपको थोड़े सिनेमेटिक्स वगैरह भी दिखाऊंगा, बहुत अच्छे व्यूज़ वगैरह, और बाकी पीछे आ रहे हैं सब, मैं थोड़ा आगे निकल गया हूँ। और ना आगे देखो, सब खच्चर खड़े हैं ट्रैकिंग के लिए, ये देखो भाई इतने सारे, और लोग जा भी रहे हैं यार, मतलब मोस्ट ऑफ द लोग तो खैर पैदल ही हैं, बाकी थोड़े लोग ही हैं जो जा रहे हैं, पर कोई नहीं, आगे देखते हैं भाई। तो भाइयों थोड़ी सी आगे पहुंच गए भाई, मैंने ना लगेज बैग अपना ना पीछे रखा हुआ था भाई, और उसके बाद ना मैं थोड़ी सी दूरी चढ़ा भाई, भाई हालत ख़राब हो गई, एक तो चढ़ाई और एक बंदे का वजन का बैग भाई, हालत भाई ऐसी ख़राब हुई, मैंने जैसे बैग उतारा ना इतना हल्का महसूस हुआ भाई, ऐसा लग रहा कि जैसे एक बंदा कम हो गया और मेरे कंधे पे से। अब भाई को दे दिया, फिर दूसरा भाई लेगा, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके हम सब रिश्ते पे ऊपर चले जाएंगे। वैसे तो मोस्ट ऑफ द लगेज हमने अपना वहीं रख दिया गेस्ट हाउस में, थोड़ा सा लाया जो ऊपर ज़रूरत पड़ेगी भाई। तो चलो, ये देखो भाई ये जा रहे सब, एक खच्चरों पे बैठ के जा रहे हैं, मोस्ट ऑफ द लोग पैदल भी जा रहे हैं भाई। ठीक है भाई, हालत ही ख़राब हो रखी, अभी तो थोड़ा सा ही चढ़ा, देखते हैं आगे देखते हैं, चलो निकलते हैं, अब आगे मिलते हैं भाई, टाटा बाय बाय। तो भाई थोड़ा रेस्ट करने के लिए रुके थे, बाकी देखो यार पसीने कितना आ गए, इसे देखो पसीने, देखो भाई इनको तो, ये तो गोरे लोग हैं यार, इन्हें कहाँ पसीना आता है, पसीने आना आता है, ब्राउन बॉय, बाकी भाई हम थोड़ा सा रेस्ट के लिए रुके थे और एक व्यू दिखाते हैं आपको ना, चेक कराते हैं, कुछ भाई थोड़ा साइड हो ना, बाकी ये देखो प्रदीप भाई हटना, प्रदीप भाई के पीछे है भाई व्यू, ये देखो भाई हिमालय भाई, फोन में तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा होगा, जितना दिख रहा है काफ़ी है, बट भाई सामने से ना जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं भाई, सामने से भाई बहुत बढ़िया दिख रहा है, जो धूप पड़ रही है ना बहुत बढ़िया। चलो आगे मिलता है, आगे दिखाता है। तो भाइयों अभी हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन के सिर्फ 1/3 पार्ट पे भाई, हमें 3 घंटे हो गए, हाँ 7 बजे निकले थे भाई, 10 बज गए, 3 घंटे हो गए निकलते निकलते चलते चलते, और भाई अभी सिर्फ 1/3 ही हुआ है, बाकी का भाई तो बहुत आधा से ज़्यादा रास्ता बचा है, अभी देखते हैं इसे कवर करते हैं और सीधा चलते हैं केदारनाथ। बाकी साथ में भाई लोग, भाई पता नहीं क्या ही मिल रहा है इन्हें बुझा के टाइम पर, बात तो भाई दाद इनकी है भाई,
हेड्स ऑफ है इन लोगों के लिए भाई। बट और ये देखो भाई, इन लोगों के लिए हेड्स ऑफ। ये लोग तो भाई बोलो पे अत्याचार हो रहा है भाई, अत्याचारी लोग। बाकी मैं थोड़े सिनेमैटिक डाल दूंगा भाई, थोड़े सिनेमैटिक डाल दूंगा, बाकी वो चेक करना आप, ठीक है। बाकी आगे निकलते हैं, काफ़ी ट्रैक करना है, काफ़ी चढ़ाई है, आगे मिलते हैं सीधा ऊपर। जी तो भाइयों पहुंच चुके हैं आगे, अभी केदारनाथ इधर से आई थिंक 9 किलोमीटर, बोर्ड में देखा था, काफ़ी हम कवर कर चुके हैं, अभी 9 किलोमीटर और है भाई। तो ना भाई लिटरली एग्जॉस्ट हो चुके हैं यहीं तक, छोटे छोटे कदम चल रहे हैं, छोटे छोटे भाई। और भाई लोग तो आगे पहुंच चुके हैं, भाई और मल्ली विशाल सभी आगे पहुँच गए, उन्होंने कॉल की थी कि भाई हम आगे हैं, चलते जा रहे, तुम आते रहना। तो हम चल रहे थे, थोड़े शॉट्स ले रहे थे, बाकी हम चले रहे। देखते हैं यार कितने बजे तक पहुँचते हैं, तभी दर्शन होंगे। इससे पहले तो भाई मुश्किल ट्रैक है यार, मतलब ना मुश्किल तो है, काफ़ी लंबा है, काफ़ी खड़ी है। बाकी तो हेलो भाइयों, काफ़ी ज़्यादा आगे चल के अभी हम थोड़ी सी उस पर पहुँचे हैं कि हमें कुछ दिखा है भाई, वो जो आपको दूर, लेट मी जूम भाई, ये जो आपको रेड कलर की बिल्डिंग दिख रही है ना, पता नहीं क्या है, पर इसके बाद 1.5 किलोमीटर बाद केदारनाथ टेंपल है। पर फिर भी अभी अभी तो हमें काफ़ी चढ़ना है, काफ़ी चलना है भाई। तो बाकी चलते हैं भाई, पूरे एग्जॉस्ट हो चुके हैं, भयंकर लगेज भी तो है, हम पे भाई कंधे कुंधे दुब गए। और दूसरी चीज़ अब बाकी चलते हैं यार, थोड़ा सा भी खाया है, बिस्किट्स खाए हैं। छः बजने वाले हैं भाई, शाम का माहौल कुछ ऐसा है। बाकी थोड़ा सा देर दूर है, पहुंचने वाले हैं यार, बाकी देखते हैं आगे। भाइयों केदारनाथ गेट के अंदर तो पहुंच गए, मंदिर अभी लगभग 500 मीटर दूर है भाई। यार आरती छूट गई गलती से, बहुत टाइम लग गया आने में, सब फक्ड अप हो गया, कोई बात नहीं, सुबह के देख लेंगे। बाकी ये चेक करो कैंप, आई नॉट इन द स्टेट ऑफ माइंड ये मैं कोई ब्लॉग कर पाऊँ, अब मिलते हैं बाद में, या तो सुबह कंटिन्यू करेंगे या देखते हैं अभी। ओके बाबा, फिर से आ चुके हैं भाई केदारनाथ में, हमने दर्शन तो कर लिया भाई, प्रसाद चढ़ा दिया, सब कर लिया। तो जी गाइस, अब हम जा रहे हैं